बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम जीके ऑफ पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के मोटरवेज के बारे में। तो पाकिस्तान के अंदर कितने मोटरवे हैं और इसका जाल कैसे पूरे पाकिस्तान में बिछा हुआ है, कौन सी मोटरवे कहां से कहां तक है और उसकी कितनी लंबाई है, ये तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। वीडियो के आखिर में एक जनरल नॉलेज के भी कुछ सवालात होंगे या आपको पॉइंट्स मिलेंगे मोटरवे के बारे में जो अक्सर पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के मोटरवे की तफसील स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की टोटल जो नाम के साथ मोटरवेज हैं वो टोटल 16 हैं, जिनको M1, M2 से लेकर M16 तक नाम दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ मोटरवेज हैं जिनको भी नाम नहीं दिया गया और वो मंसूबाबंदी के अंदर हैं, वो भी एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले M1 से। जो M1 मोटरवे है वो पिशावर से इस्लामाबाद तक है, जिसकी लंबाई 155 किलोमीटर है, जिसमें 6 लेन्स हैं और 2007 में इसकी तकमील हुई और इस टाइम ये वर्किंग कंडीशन के अंदर है और काबिले इस्तेमाल है। M2 की बात करते हैं तो M2 मोटरवे इस्लामाबाद ता लाहौर है, 334 किलोमीटर लंबी है ये, इसमें भी 6 लेन्स हैं, इसकी तकमील 1997 में हुई थी और मौजूदा हालत में ये काबिले इस्तेमाल है, यानी कि यूज और वर्किंग में है। M3 जो है ये मोटरवे 2019 में बनती है, जो लाहौर ता अब्दुल हकीम बनाई गई है, जिसे M3 का नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 230 किलोमीटर है और 6 लेन है और ये भी इस वक्त काबिले इस्तेमाल है। M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान, जिसकी लंबाई 309 किलोमीटर है, जिसके कुछ हिस्से में 6 लेन्स हैं, कुछ हिस्से में 4 लेन्स हैं, तकमील का साल 2019 में ये तकमील हुई थी और उसके बाद से ये अब तक काबिले इस्तेमाल है और ट्रैफिक रवां दवां है इस पर। M5 जो है वो मुल्तान ता सखर है, 392 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6 इसकी तादाद है लेंस की और ये भी 2019 में तकमील हुई थी इसकी और यहाँ भी ट्रैफिक रवान दवां है, यानी ये काबिले इस्तेमाल है। M16 की बात करें तो सखर ता हैदराबाद ये मोटरवे है, 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेन की तादाद 6 है, 2022 तक मुतवक्के है कि इसकी तकमील हो जाएगी, अभी ये मौजूदा हालत के अंदर मंसूबा बंदी के अंदर है, ज़ेरे तामीर आप कहने के है, अभी तक ये ट्रैफिक के लिए रवान दवान नहीं हुई। M7 जो है वो दादू से हब तक है, जिसकी लंबाई 270 किलोमीटर है, 6 अगेन तादाद है लेन की और ये भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और ये 2024 तक मुतवक्के है कि इसकी तकमील हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोटरवे की, जो M8 है, जो रत्तू डेरा से ग्वादर तक है और ये सबसे लंबी पाकिस्तान की मोटरवे है, जो 892 किलोमीटर लंबाई पर है, जिसकी लेन की तादाद सिर्फ 2 है और 2022 तक ये मतवक्के है कि मुकम्मल तौर पर इसकी तकमील हो जाएगी, जबकि इस वक्त इसका कुछ हिस्सा काबिले इस्तेमाल है और बाकी हिस्सा जो है वो जेरे तामीर है। अब M9 की बात करते हैं तो M9 मोटरवे हैदराबाद तक कराची 136 किलोमीटर की लंबाई रखती है, इसके अंदर भी 6 लेन्स हैं और इसकी तकमील 2018 में हुई थी और ये भी अभी ट्रैफिक इस पर रवां दवां है, यानी ये इस्तेमाल की जा रही है। M10 कराची शुमाली बाईपास है, जो 57 किलोमीटर की लंबाई पर मुहित है और इसके अंदर सिर्फ 2 लेन्स हैं और ये 2007 में तकमील हो गया था, जिसको इस वक्त ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। M11 की बात करें तो M11 लाहौर ता सियालकोट है, जो 103 किलोमीटर लंबाई पर 4 लेन के साथ मौजूद है, जो कि पिछले साल 2020 के अंदर जो है उसका इफ्तिताह हुआ था और वो काबिले इस्तेमाल हो गई थी। M12 की बात करें तो सियालकोट ता खारियां ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये मंसूबाबंदी के अंदर है, 2022 तक मुतवक्के है कि इसकी कंप्लीशन हो जाएगी, ये 70 किलोमीटर पर होगा, जिसके अंदर 6 लेन्स होंगी। ये M13 की बात करें तो वो इसी को आगे कंटिन्यू करेगी और खारियां ता रावलपिंडी जाएगी, जिसकी
लंबाई 115 किलोमीटर होगी, 6 लेन की तादाद होगी और ये भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। 2023 तक मतवक्के है कि ये मंसूबा पूरा हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए ये मोटरवे खुल जाएगी। M14 की बात करते हैं जी, M14 जो है वो इस्लामाबाद का डेरा इस्माइल खान 285 किलोमीटर की लंबाई पर होगी, जिसके अंदर 4 लेन की तादाद बताई जा रही है और 2021 यानी इसी साल तक मुतवक्के है कि ये बन जाएगी। और इस टाइम ये मौजूदा हालत इसकी है कि जेरे तामीर है, यानी कि कुछ महीने में उम्मीद है कि ये बन जाएगी। M15 की बात करें तो हसन अब्दाल ताकोट, इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है, इसके हिस्सों में कुछ कहीं पर 2 लेन्स हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 6 और ये 2020 में मुकम्मल हुई है और ये भी ट्रैफिक के लिए अभी रवां दवां है। इसके बाद M16 है जो सवाबी से चकदरा, लंबाई जिसकी 160 किलोमीटर होगी, लेन की तादाद 4 है, 2020 में ये मुकम्मल हुई और इस वक्त ये ट्रैफिक के लिए खुली हुई है और काबिल इस्तेमाल है। तो ये M16 तक हमारी जो है मौजूदा मोटरवे जो नाम के साथ से बन चुकी हैं और या मनसूबेबंदी के अंदर हैं। इसके अलावा भी कुछ मोटरवे हैं जो अभी मनसूबाबंदी हो गई है और अभी जेर तामीर नहीं है और कुछ अभी तक इसको नाम भी नहीं दिया गया। उसमें पिशावर ता डेरा इस्माइल खान, दीर ता सवात, पिशावर ता काबुल, शोरकोट ता लिया और लाहौर ता नारोवाल का करतारपुर। तो ये मोटरवेज जो है ये प्लान्ड है, इनको अभी नाम नहीं दिया गया और जैसे कोई नाम बनेगा तो आपको पता लग जाएगा। और कुछ मालूमात जनरल नॉलेज की ले लेते हैं मोटरवेज के बारे में। अहम मालूमात ये है कि टोटल जो काबिले इस्तेमाल मोटरवे की लंबाई है वो 2429 किलोमीटर है और जो भी जेर तामीर या मनसूबाबंदी के अंदर है वो 1312 किलोमीटर है। इस तरह M1 से M16 जो है वो 3741 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये जेर निगरानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस जो है इसकी निगरानी करती हैं। और ये तश्कील पाई गई थी यानी फॉर्मेशन इसकी जो मेन स्टार्ट हुई थी वो 1997 में इसका जो पहला इफ्तिताह हुआ था ये मोटरवेज का। तो ये हमारे पास चंद मालूमात थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मजीद जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और जनरल नॉलेज वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।